साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम हिसार के अपने किसान भाइयों को बधाई देना चाहेंगे और उनके जो भी सहयोगी उनके साथ गए हैं दुष्यंत को भगाने में, उन सबको बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने दुष्यंत को जो जबरदस्ती आना चाहता था, जिसको बार बार रोकने का प्रयास कर रहे थे और वो फिर भी आने की जिद पकड़े हुए था, तो हमारे बहादुर किसान भाइयों ने उसको भगाया और अच्छी तसल्ली करके भेजी। उसके लिए सभी हिसारवासी बधाई के पात्र हैं और आगे हम पूरे हरियाणा वालों से ये कहना चाहेंगे, बल्कि हरियाणा वालों से नहीं पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि ये बीजेपी वाले और जो भी इनके सहयोगी हैं उनको कोई सामाजिक प्रोग्राम ना करने दें, सब जगह से इनको भगाएँ। ये हमारे नहीं हैं, हमने 70 साल में एक बार देश हित में इनसे वोट मांगा, इन्होंने वो भी हमें नहीं दिया। ये किसानों की क्या पूरे देश की पीठ में छुरा मार रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं, तो सभी जगह से इनको भगाएं और एक बार हिसार के किसानों को हम फिर से बधाई देना चाहेंगे, फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसके साथ ही आज संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जितने बीजेपी वाले और उनके सहयोगी हैं, चाहे वो MLA हैं चाहे वो MP हैं, वो सब या तो सरकार से बात बनवाए और या पार्टी छोड़ के आ जाए। उनके इस्तीफे की मांग की है कि सब बीजेपी के और उसके सहयोगी दल जो भी हैं, वो MP हैं चाहे MLA हैं, वो सारे इस्तीफा दें, जनहित में रिज़ाइन करें। तो अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं तो जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, और जो इस्तीफा दे के जनता के बीच में आएगा तो जनता उसको गले लगाएगी। आज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में फैसला लिया गया है और सबसे रिज़ाइन मांगे गए हैं, इस्तीफे मांगे गए हैं। तो एक बार फिर हिसार के भाइयों का धन्यवाद करेंगे। जय हिंद।